अगर आप लोगों का भी रियलमी का जो फ़ोन है वो कुछ इस प्रकार से फुल जो स्क्रीन है, फुल जो डिस्प्ले है वो ब्लैक शो हो रहा है, तो किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं, आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक दिखाऊंगी उस ट्रिक की मदद से आपके पास कोई भी मॉडल हो रियलमी फ़ोन का सभी में वर्क करेगा। एंड कुछ कुछ केसेस में ये तो ओप्पो एंड यहाँ पर वीवो के फ़ोन में भी काम करेगा। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग किस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं, आज की इस वाली वीडियो में बताऊँगी। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। तो सबसे पहले आप लोग जैसे कि देख सकती है एकदम से काम नहीं कर रहा था, और उसके बाद अगर आपके फ़ोन में टच स्क्रीन वाला जो शो ऑप्शन होता है ना, मतलब जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ एक वाइट डॉट आ जाता है, तो अगर वो वाला ऑप्शन आपके पास ऑन किया रहेगा तो जैसे मैंने देखा कि ये बस चार्ज पे जब मैंने लगाया ना तब ये वाला जो ट्रिक है ये वर्क कर रहा था, मतलब जहाँ जहाँ मैंने टच किया वहाँ वहाँ बस शो हो रहा था लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अगर मेरे पास कोई कॉल आ रहा था तो मैं बस उसको कट कर पा रहा था, और कट करने पर ये इंटरफेस आ रहा था, और अगर कॉल को रिसीव कर रहा था तो एकदम प्रॉपर मैं बात कर पा रहा था, लेकिन वहाँ से कुछ भी बैक करने के ऊपर निकलने का मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद मैंने ये ट्रिक अप्लाई किया, काम कर गया। तो चलिए दिखा देती हूँ कौन कौन सा ट्रिक था। सबसे पहले आप लोगों को अपना फ़ोन का जो कवर है उसको रिमूव कर देना है, और फ़ोन को थोड़ा बहुत सांस लेना है, मेरा छुपा हुआ पैसा मुझे मिल गया। तो ठीक है, फ़ोन को अच्छी तरीके से आप लोगों को साफ़ कर लेना है, एंड ख़ास करके आप लोगों को एक सॉफ्ट सा आप लोगों को एक कपड़ा लेना है या फिर कुछ आप लोग और चीज़ ले सकते हो, उससे आप लोगों का फ़ोन का जो फ्रंट का जो कैमरा होता है ना उसको अच्छी तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि आप लोग जब फ़ोन पर बातें करते हो ना, जैसे आप फ़ोन को कान में लगाते हो वैसे ही फ़ोन का जो लाइट होता है वो ऑफ हो जाता है, एंड जैसे ही फ़ोन को कान से निकाल दो वैसे लाइट ऑन हो जाता है, तो वहाँ पर सेंसर लगे हुए होते हैं, तो इसलिए उस जगह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। बहुत केसेस में मैंने देखा है कि यहाँ पर आप लोग जैसे फ़ोन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं एक दो मिनट आप लोग जस्ट रुक के वेट कीजिएगा तो ये खुल जाता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सेकंड ट्रिक अप्लाई किया जो मेरे लिए 100% वर्किंग था। वो ट्रिक ये है कि आप लोगों का जो वॉल्यूम प्लस बटन होता है एंड पावर ऑफ बटन होता है दोनों को 15 सेकेंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आप लोग 15 सेकेंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वैसे आपके सामने कुछ इस प्रकार से रियलमी शो हो जाएगा पावर्ड बाय एंड्रॉयड, तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। मुझे पता है आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आपके लिए ये ट्रिक मतलब सुपर डुपर बेस्ट रही है ना, और आपको इस ट्रिक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, काम कर रहा है, इस ट्रिक की वजह से आपका जो फ़ोन है वो ओपन हो गया है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स देकर मेरी हेल्प कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन इंप्रूव करने में। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ऑब्वियसली बताइएगा ये जो ट्रिक है आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं, और करेगा तो ऑब्वियसली कमेंट करना तो बनता है बॉस। एंड दोस्तों मेरी सारी सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।